नमस्कार, मैं आंकड़ा पंचनाम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक सत्र पहले इस फाइनेंशियल ईयर का सेकंड लास्ट सेशन आज खत्म होता हुआ दिखाई पड़ा और भारतीय बाजारों में आज थोड़ा चौपी सेशन था। फर्स्ट हाफ में तेज़ी थी, अच्छी खरीदारी बनी और खरीदारी अक्रॉस द बोर्ड थी, यानी कि निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी बैंक सब में बाइंग थी। लास्ट तक आते आते प्रॉफिट टेकिंग आई हायर लेवल से और प्रॉफिट टेकिंग के बाद आखिरी में फिर वो एडजस्टमेंट आया जो आज निफ्टी रीबैलेंसिंग एडजस्टमेंट था। तो रीबैलेंसिंग के एडजस्टमेंट चलते लास्ट आर में एक स्पाइक कई सारे शेयरों में, कई सारे हैवी वेट्स में भी आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। जैसे HDFC बैंक था, उसमें एक पार्टिसिपेट था, कर रहा था, तो HDFC बैंक में लास्ट आर में एक स्पाइक आया। तो लाइक वाइज जैसे अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्पाइक आपको दिखाई पड़ेंगे आखिरी आर में, लेकिन फिर भी आज सेशन उतना ख़राब नहीं था। निफ्टी बैंक हरे में था, मिड कैप इंडेक्स 29 अंक ऊपर था, स्मॉल कैप इंडेक्स में तो करीब करीब 1% ही तेज़ी थी। हालांकि मिड कैप में हायर लेवल से बिकवाली आई, 0.5% ऊपर था, तो वहाँ से फ्लैट साइड बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर था, वहाँ से करीब करीब 1% के आसपास की बढ़त पे बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मेटल फ्लैट था, IT में करीब करीब 0.5% के आसपास की बिकवाली देखने को मिली। सेलेक्टिव IT बाइंग थी, KPIT, बिरला सॉफ्ट, थोड़ी बहुत बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही थी। फर्स्ट हाफ में ज़्यादा अच्छी बाइंग थी इनफैक्ट। इसके अलावा आज स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी, टाटा समूह चला हुआ था तो उसमें टाटा मोटर्स, टाटा पावर, इवन टाटा इन्वेस्टमेंट कई दिनों बाद वापस अपर सर्किट लगा, टाटा कम्युनिकेशन सब में खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। टाटा केमिकल बहुत स्ट्रॉन्ग कम बैक था, वापस बैन में चला जाएगा आज, वो 100 के ऊपर उसका वो पहुँच गया मार्केट वाइड लिमिट। इसके अलावा आज जो बढ़िया मूव था वो था रिलायंस में, सबसे बढ़िया तेज़ी तो आज इनफैक्ट रिलायंस में ही थी। तो गोल्डमैन सैक्स की तरफ से एक बाय रिपोर्ट, 3400 के टारगेट्स, और रिलायंस ने एक तरफा तेज़ी दिखा दी। UBS की एक रिपोर्ट आई थी कैपिटल गुड स्पेस को लेकर, तो उसमें इम्पैक्ट रहा ABB पर, करीब 7500 रुपये के टारगेट्स आए थे वहाँ पर, 7550 के टारगेट रादर, और उसी का इम्पैक्ट सीमेंस पे भी आपको दिखाई पड़ा। ABB, सीमेंस, पूरा ही ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर जैसी छोटी कंपनियाँ भी चलते हुए दिखाई पड़ी स्पेस में, तो BHEL, ये वो सभी कंपनियों में अच्छा मूव था उसके चलते। PSU में आज अच्छी बाइंग देखने को मिली, वो खरीदारी थी, और जो खरीदारी आज PSU में देखने को मिली उसमें थोड़े कैरी हुए रेलवे जो कल चल रहे थे, आज बाकी फ्रेश बाइंग तो चली रही थी अदरवाइज़। अब कल साल का आखिरी कारोबारी सत्र है फाइनेंशियल ईयर का, और फिर स्लोली एंड स्टेडली अब ऑटो सेल्स के नंबर्स की तरफ और फिर ऑटो के फिर ओवरऑल अर्निंग की तरफ धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, तो वो पार्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा आज कुछ और सेलेक्टिव स्टॉक्स की अगर बात किया तो IT, PSU ये थोड़ा से प्रेशर के अंदर कामकाज करते हुए दिखाई पड़े, लेकिन ओवरऑल एक बेटर साइड पे सेशन था जो कि मार्केट में आज ट्रेड हो रहा था। इसके अलावा हालिया सेशंस में एक दो बड़े ट्रिगर, तो एक ABB था, रिलायंस था, आदित्य इनफैक्ट एक अदानी समूह से भी आज अदानी पावर बढ़िया चल रहा था। वो एक जो लैनको वाला प्लांट इनको मिला अमरकंटक, उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा। एक सनोफी में 3.5% के आसपास की तेज़ी थी, एक्सक्लूसिव टाइप किया था सिप्ला से, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। लास्ट आर में इनफैक्ट फाइजर में भी तेज़ी आई थी, वो कार्ड ने अपना QIP के जरिए फंड रेज पूरा कर लिया, तो एक उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। QIP में एंजल वन का भी QIP था, तो वहाँ पर भी 9-10% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। सो ऐसे इन्फो एज में एक इन्होंने हायरिंग की बातचीत को इम्प्रूवमेंट बोला इस फाइनेंशियल ईयर में, सो उसका एक इम्पैक्ट वहाँ पर देखने को मिला, 4-5% की तेज़ी थी। बजाज ऑटो में उनका बायबैक पूरा हुआ, उसका इम्पैक्ट था, और ग्रेविटा में एक बाय रिपोर्ट थी, 1200 रुपये का टारगेट था, कोटक की रिपोर्ट थी। तो ऐसे अलग अलग न्यूज़ फ्लोज, अलग अलग ट्रिगर जिनके दम पे बाज़ारों में आज रिएक्शन आते हुए दिखाई पड़े। चलिए अब सवाल जो आपका सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे कुछ सवालों को लेकर भी जो कि अलग अलग माध्यमों के ज़रिए जुड़ते हुए दिखाई पड़े हैं, अलग अलग माध्यमों से सवाल आ रहे हैं। तो पहला सवाल जो आया है वो है, ओके, सबसे पहला सवाल है जी, सर फाइजर में लास्ट में क्या हुआ? सर मेरे ख्याल से तो ये लास्ट में एडजस्टमेंट था, एक जो रीबैलेंसिंग एडजस्टमेंट था उसकी वजह से एक स्पाइक दिख रहा था, और स्पाइक की वजह से ही शायद 20% के आसपास का तेज़ी इसमें आता हुआ दिखाई पड़ा। बाकी एज ऑफ नाउ तो कोई कंपनी से रिलेटेड अपडेट लास्ट में आया नहीं, सो कुछ भी कहना मुश्किल है। चलिए जी, और सवालों में थैंक यू सर फॉर टेकिंग माई क्वेश्चन। IRM एनर्जी रिव्यू, आई हैवंट हर्ड दिस स्टॉक इवन। अजिनाथ जी, आई एम रियली सॉरी, IRM मेरे दोस्त शायद हाल की लिस्टिंग होगी, शायद इसलिए सुना क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे IPO आए थे, बहुत सारी कंपनियाँ लिस्ट हुई, इसलिए मेरे को आइडिया नहीं इसका, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस।
ओके सुमित जी, विद योर गाइडेंस स्टार्टेड एक्यूमुलेटेड एचडीएफसी बैंक फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो सचिन जी, अगर बस ये ध्यान रखना कि इसमें बहुत ज़्यादा बड़े एक्सपेक्टेशन मत रखना कि ये बहुत कोई यहाँ से ट्रिपल हो जाएगा या फोर टाइम हो जाएगा ऐसा टाइप का, बट इट वुड बी अ कंसिस्टेंट स्टॉक गोइंग फॉरवर्ड। तो अच्छा कंपनी है, अच्छी कंपनी, अच्छे बिजनेस, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी, अच्छी ग्रोथ है, बट बहुत रीजनेबल इसमें रिटर्न की उम्मीद लगा कर चलना। ऐसा मत सोचना कि कोई अनाप शनाप भाग जाएगा और यहाँ से मल्टीपल लेवल ऊपर आ जाएगा। हैवी वेट है तो इट्स गुड टू बी इन योर बुक्स, लेकिन एक रीजनेबल उम्मीद के साथ, आप सही स्टॉक के साथ हो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें अदरवाइज। और वह थोड़ा जो लास्ट साल में चला भी, उसके चलने की वजह थी कि वो बैलेंसिंग था निफ्टी का, रीबैलेंसिंग का, तो रीबैलेंसिंग का फंड आया होगा तो उसकी वजह से स्पाइक आया था। सो और बैंक निफ्टी एक्सपायरी भी थी तो कुछ सेलिंग वैसे भी डन हो गई थी, तो ये दो तीन चीज़ें थी इसकी वजह से लास्ट साल में बाइंग आई थी वहाँ पर। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। पीबी फिनटेक लॉन्ग टर्म के लिए कैसा, क्या सही है, सही रहेगा? सुमित जी देखो, लास्ट क्वार्टर के नंबर पीबी फिनटेक के अच्छे थे, प्रॉफिट में आया थी कंपनी पहली बार इनफैक्ट, और वो स्ट्रॉन्ग नंबर के बीच में एक बड़ा ब्लॉक भी हुआ था इसमें, और उस ब्लॉक में पार्टिसिपेशन भी अच्छा था, शायद 1050 के आसपास वो ब्लॉक होता हुआ दिखाई पड़ा था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और वहाँ से वो 1150 या 1250 तक भी गया है लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी के बाद। सो दो ये कंपनी पहले से बहुत बेटर हुई है नंबर वाइज, हालांकि वैल्यूएशन अभी महंगे हैं लेकिन पहले से नंबर वाइज थोड़ा बेटर साइड में सिचुएशन है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में नंबर प्रॉफिटेबिलिटी में आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एज ऑफ नाउ तो आप बने रहो एंड जस्ट वेट एंड वॉच की प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि उन्होंने ये बात लास्ट क्वार्टर के नंबर में बोली भी थी एनालिस्ट कॉल में कि इस क्वार्टर के नंबर से शुरुआत हुई एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स की, ये लास्ट की एनालिस्ट कॉल में है याद भी मुझे, क्योंकि उस पर एक डिस्कशन भी हुआ था। सो एज ऑफ नाउ तो आप बने रहो, बाकी वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर चॉइस। इस क्वार्टर के नंबर कैसे रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, नहीं रहते हैं, ये सब चीज़ें रहेंगी, लेकिन अभी के लिए तो एटलीस्ट आप बने रहो। ओके, माना साहब, थैंक यू माना साहब। सर कैन आई एक्यूमुलेट देवयानी, सूला, EIH, रेड्डी, JSW, KEI, मैक्स फॉर नेक्स्ट 5 ईयर? बेटर वुड बी आप देवयानी, सूला से अच्छा तो आप चले जाओ यूनाइटेड स्पिरिट्स रेडिको पे, वो ज़्यादा बेटर एंड बिगर प्रोफाइल हैंडल करते हैं। डॉक्टर रेड्डी इज़ गुड, डॉक्टर रेड्डी में कोई ऐसा इशू नहीं है। JSW इंफ्रा से बेटर अदानी पोर्ट है एनी डे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा प्रोफाइल उसके पास भी है। KEI ठीक है, थोड़ा नीचे मिले ज़्यादा बेटर है। मैक्स और अपोलो में से कोई एक नाम जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्स, अपोलो और इवन वेदांता भी, लेकिन वो मेदांता भी, लेकिन वो नीचे मिले तो, क्योंकि हॉस्पिटल सबके सब भागे हुए हैं तो एक जर्क की वजह से नीचे आए थे, लेकिन अगर और बेटर डील मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन थोड़े पिक एंड चूज, थोड़ा चेंजेस की ज़रूरत है। बाकी जो आप स्टॉक चुन रहे हो उन सब में थोड़ा थोड़ा मोमेंटम को अगर आप प्ले कर सकते हो तो ज़्यादा बेटर है। लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से रेडीज बेटर है या लीडर पहले ज़्यादा बेटर है, तो पहले लीडर और सेकंड बेस्ट लीडर को आइडेंटिफाई कर लीजिए उस सेक्टर के, क्योंकि सूला वाइन में लीडर है लेकिन लिकर का लीडर इज़ स्टिल यूनाइटेड स्पिरिट्स, सेकंड बेस्ट लीडर इज़ रेडिको खेतान, बियर का लीडर इज़ यूनाइटेड ब्रिवरीज, लेकिन क्योंकि सबसे बड़ी प्रोफाइलिंग, सबसे बड़ा प्रोडक्ट का जो प्रोफाइल है वो यूनाइटेड स्पिरिट्स का, तो ज़्यादा सेफ सिचुएशन उसकी रहेगी, फिर रेडिको की आएगी, फिर आएगी यूनाइटेड ब्रिवरीज की, देन आएगी सूला की। सो इस तरह से अगर आप सोच रहे हो तो ये एक बार को चॉइस हो सकती है आपके सामने। मेदांता मैक्स ठीक है, तो मैक्स क्योंकि दिल्ली सेंट्रिक, NCR सेंट्रिक एंड सेलेक्टिव एरियाज़ में, लेकिन और बहुत मेजर डोमिनेंस इनका उसमें है फॉरेन टूरिज्म में, लेकिन अपोलो इंडिया, पैन इंडिया प्रेजेंस रखता है, मेदांता भी अच्छा प्रेजेंस है इनका भी विद टाइम। सो इवन सेंट्रिक से बेटर है, इवन फोर्टिस उसका ज़्यादा अच्छा प्रेजेंस है। सो इस तरह से आप जाओ तो ज़्यादा बेटर, बड़ा हॉस्पिटल में आप जाओगे अपोलो में, देन कम्स फोर्टिस, तो ये जा सकते हो। अदरवाइज मैक्स भी ठीक है लेकिन नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर, प्राइसिंग थोड़ी महंगी साइड पर है। ओके सर, सुमित, शुड आई गो फॉर PFC और IREDA एट करंट लेवल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम? तो सर PFC तो फिर भी उतना महंगा नहीं है, मतलब 2 या 3 के मल्टीपल पर था जब चलना शुरू हुआ था, और आज भी ये शायद 8 या 9 के मल्टीपल पर ही है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। बट PFC कभी भी बहुत महंगा हुआ नहीं है, आमतौर पर वो सस्ता और बहुत सस्ते के बीच में घूमता है। सो किसी फॉल में ऐड कर लो कोई इशू नहीं है, बट आपको टाइम देना पड़ेगा, हो सकता है तेज़ी थोड़ी सी अभी कूल ऑफ रहे उसके बाद चले, लेकिन एक बड़ी तेज़ी का हिस्सा ये देख चुका है तो उतना कंफर्टेबल जोन तो नहीं है ये।
आयरिडा केस में भी, क्योंकि एक तरफा तेजी है और एक अर्निंग आया खाली, तो कुछ भी कहना एक अर्निंग के दम पर बहुत मुश्किल है। एक अर्निंग के दम पर तो ये बहुत महंगा है वन, लेकिन जो मार्केट बस है वो एक ही 70-80-90-100 के रेंज में कहीं मिल जाए तो एक रीजनेबल लेवल हो जाता है इसके लिए। सो अगर कहीं वहीं वहाँ कहीं मिल जाता है आपको तो फिर भी एक रीजनेबल लेवल है, क्योंकि एक अच्छी चीज़ थी। 150 रुपये में एक बड़े फंड ने मान लिया था इसमें और उसके नीचे ये मिल रहा था अभी कुछ दिन पहले तक। तो या तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हो थोड़ा थोड़ा करके नीचे, बट ज़्यादा कंफर्टेबल जोन जो है वही 80-90 के जोन्स में है। तो आप बाकी चॉइस ले लो कि एक तरफा चला है 30 से लेकर 200 तक, तो 6-7 गुना चलने के बाद कोई चीज़ थोड़ा तो कूल ऑफ होगी ना, तो वहाँ आप एंटर करो ज़्यादा बेटर है। थैंक यू वैभव जी, लिख रहे हैं फॉलोइंग यू रेगुलरली फ्रॉम यूरोप। थैंक यू वैभव जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दूर से हमें देखने के लिए, सराहने के लिए। ओके सर, हेलो सुमित सर, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस, प्लीज सजेस्ट विच इज़ गुड, मैथन और पॉलीप्लेक्स। तो सर दोनों के नंबर के हिसाब से देखा जाए दोनों ही बुक वैल्यू के नीचे एज ऑफ नाउ, तो लेकिन ज़्यादा बेटर सिचुएशन में मैथन है, क्योंकि वहाँ प्रमोटर की होल्डिंग अभी 72-73% के आसपास है। वन, धंधा ठीक है, ऑपरेटिंग सिचुएशन थोड़ी सी वीक जरूर है लेकिन कोई ख़राबी नहीं है नंबर के अंदर। इन्वेस्टमेंट वैल्यू अच्छी है, PSU में सारा इन्वेस्टमेंट है, कैपेसिटी भी ऐड कर ही रहे हैं लगातार, कैश फ्लो भी जनरेट कर रहे हैं और कैश भी पड़ा है कंपनी के पास। ऑन द कॉन्ट्ररी प्रोजेक्ट केस में प्रमोटर माल बेच रहा है वो सबसे बड़ा कंसर्न है, प्लस प्लेज भी है। तो प्लेज तो इज़ अ स्लो टिकिंग टाइम बॉम्ब, जैसे डेट को बोलते हैं ना टिकिंग टाइम बॉम्ब, वैसे प्लेज भी टिकिंग टाइम बॉम्ब होता है। तो जितना प्लेज है आपका बढ़ता हुआ और किसी का प्लेज और डेट दोनों है तो उसके लिए और डिवास्टेशन है ये। सो ऐसी सिचुएशन, तो इसलिए अभी उनको अवॉइड करिए जहाँ प्रमोटर माल बेच रहा है वन, और जिसमें प्लेज भी पड़ा हुआ है टू, सर्टेनिटी नहीं है। तो फिर भी मैथन इज़ बेटर, आप मैथन या इन तीनों दोनों के अलावा स्वान इज़ बेटर इवन। यहाँ सिचुएशन थोड़ी बेटर होनी चाहिए अभी, क्योंकि एक रिलायंस नेवल की लिस्टिंग आने वाली है कभी भी, मतलब रिलायंस नेवल का नाम चेंज हो गया, स्वान नेवल हो गया, स्वान डिफेंस। तो स्वान डिफेंस की लिस्टिंग अगर होती है तो वो कंपनी के लिए बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी, तो ये स्टॉक के लिए बड़ा गेम कर सकता है। तो इस लिहाज से आप उसको भी देख सकते हो, इवन टाइम दे सकते हो। टाटा टेक ठीक है, नीचे मिल जाए तो आप आराम आराम से ऐड कर सकते हो। हैप्पीएस्ट माइंड मुझे लग रहा है कि बहुत बेटर है आज कंपनी को, मैं सुन भी रहा था 1:30 बजे के शो में आए थे। सो कमेंट्री पॉजिटिव है और बायबैक वो QIP के दाम से 20-22% नीचे चल रहा है और अर्निंग इंप्रूव हो रही है, तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन मेरे ख्याल से ऑन फुल स्विंग होना चाहिए। सो आई थिंक अपने लास्ट फेज़ में है या बेटर फेज़ में है, उसको भी आप देख सकते हो। अदरवाइज़ तो कुछ नाम जो ठीक ठीक लग रहे हैं, डीमार्ट लग रहा था वो भाग गया 4,500 की तरफ आ गया, तो उसको अभी थोड़े दिन के लिए रुक जाऊँगा। सो इवन टाटा कॉम किसी फॉल में मिले ऐड करने लायक सिचुएशन में। सो ऐसे कर करके आप कहीं कहीं पर देख सकते हो, बेस एंड पीसेस में ट्रिगर ढूंढो। लेकिन मैथन क्योंकि इट माइट टेक सम टाइम, तो वो शायद आपको, आप उसके लिए तैयार हो या नहीं मुझे पता नहीं। सो इसलिए मैं एक बार को आपको ये सब नाम आपको विकल्प में बताया, आप उनको फॉलो कर सकते हो। ओके, इलेक्ट्रा कैरी करें या सेल? मेरे ख्याल से कैरी कर लीजिए मुकुंद जी, अगर नई जो पॉलिसी आई है इसमें अगर सेटअप होता है बैटरी रिलेटेड व्हीकल को लेके काम काज बसेस का, तो उसमें इलेक्ट्रा बहुत बहुत ही ज़्यादा वेल पोजिशन है। सो मेरे ख्याल से तो बने रहने में ज़्यादा बुराई नहीं है, और वो जो पॉलिटिकल सेटअप है इसके पीछे का, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बिजनेस रन्स प्रॉफिट के बेसिस पर, और ये इस पार्ट को अभी आप थोड़ा दूर रख के चलिए। सो अभी तो आप बने रहिए, बाकी वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर चॉइस। सर दीपक, नाइट्राइट एंड SRF फॉर 5-10 ईयर्स, एनीथिंग ऑन केमिकल फार्मा शेयर एज दे आर चीप? तो माना सर देखो, हैं तो ये चीप, बट कितना टाइम में ये मूव लेंगे वो पार्ट क्रूशल है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ओवर ओन्ड है। तो ओवर ओन्ड स्टॉक्स यूजुअली चलते नहीं है। ओवर ओन्ड मतलब होता है जहाँ पर रिटेल बहुत ज़्यादा वैल्यू देख के कूद पड़ता है। इसमें HDFC बैंक भी आता है, इसलिए कोई खामी नहीं है इसमें। लेकिन HDFC बैंक भी इसमें क्या कि फ़ंड भी बहुत बड़े बड़े बैठे हैं पीछे, लेकिन और क्योंकि पूरी तरह से फ़ंड और रिटेल के पास ही है, प्रमोटर ज़्यादा है नहीं उसमें। तो इसीलिए एक बार को वहाँ पर फिर भी आपको ये ओवर ओन की सिचुएशन नहीं दिखेगी, लेकिन ये जो केमिकल शेयरों में है, हैविंग सेड दैट दीपक और SRF हैं दोनों बढ़िया स्टॉक, इन दोनों को रखने के लिए अपने पोर्टफोलियो में कोई बुराई नहीं है। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए समय ले सकता है, लेकिन है क्वालिटी एसेट दोनों के दोनों, तो आप अदरवाइज इसको वैसे ओन कर सकते हो। प्रकाश जी का सवाल है, गुड आफ्टरनून सर, आपके जैसा नॉलेज गेन करने के लिए क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए प्रकाश जी, आई स्टिल रीड, आई स्टिल लर्न, आई स्टिल ट्राइंग टू गेट एज मच एज आई कैन।
इससे ज़्यादा मैं कुछ करता नहीं, मैं सिर्फ पढ़ता ही हूँ, पूछता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ। विद टाइम आपको सब आ जाएगा बाजार में, बट विद टाइम इज़ क्रूशियल। मार्केट नीड्स टू थिंग्स, एक आपका समय और दूसरा आपका संयम। समय एंड संयम, और दोनों ही लोग नहीं देते हैं। तो समय भी दीजिए, संयम भी दीजिए, आपको सब मिलेगा जो आपको चाहिए। सो ये दोनों इज़ वेरी क्रूशियल। आप इसकी जितनी इम्पोर्टेंस समझेंगे आपके लिए उतना ही ईजी होता जाएगा बाजार। सो गिव योर पेशेंस, गिव योर टाइम, यू नो, कीप काम, आपको सब दिखेगा जो आप देखना चाह रहे हैं। ओके सर, CDSL हैप्पीएस्ट माइंड एफएल इंडिया में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन SIP? CDSL इज गुड, हैप्पीएस्ट इज गुड, इनफैक्ट हैप्पीएस्ट मुझे लगता है SIP नहीं, थोड़ा थोड़ा बल्क में भी जा सकते हो, बल्क के साइज बड़े हो सकते हैं, लेकिन आप जा सकते हो कि कोई और ऐसा इसमें प्रॉब्लम दिख नहीं रही, कंसिस्टेंटली नंबर इंप्रूव हो रहे हैं, शेयर चल नहीं रहा है। सो हो सकता है यहाँ पर कुछ ना कुछ अप टिक आने चाहिए। सो हैप्पीएस्ट कुड बी बेटर बेट, CDSL भी ठीक है, लेकिन FL से बेटर तो ये दोनों, इन दोनों में आप एंटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। HFCL सर क्या करें, यश साहब तेज़ी मिली है तो आप पैसा लेकर निकल जाएं, ज़्यादा बेटर है, यही एक इस पर राय दूंगा मैं। और कहीं भी ये, क्योंकि बहुत इसके बारे में पहले पढ़िएगा, थोड़ा सा हिस्ट्री इसके बारे में पढ़िएगा, फिर आपको शायद थोड़ी बेटर सिचुएशन समझ में आएगी। सो थोड़ा पढ़ लीजिए और उसके हिसाब से कॉल लीजिए। चला एक तरफा था तो नीचे भी आना बनता था, तो कहीं भी आपको तेज़ी मिले तो आप कॉल लेकर निकल सकते हैं इसमें से। ओके सर, जस्ट लास्ट क्वेश्चन एट IRB, आई हैव इट एट लेवल ऑफ 5490, डू यू थिंक इट विल गो फॉर अ रैली? इन्फॉर्मेशन तेज़ी आनी चाहिए इलेक्शन से पहले मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी जो मार्च गया है, इन मार्च में बहुत कुछ हुआ नहीं है, और एडजस्टमेंट की वजह से जो कुछ हुआ था वो भी साफ हो गया है। सो प्री इलेक्शन रैली का दूसरा फेज़ जो है वो मेरे ख्याल से अब शुरू होना चाहिए, अप्रैल ऑनवर्ड्स, या ये मार्च के कल से ही मेरे ख्याल से। सो वेट एंड वॉच, धीरे धीरे साइन आने लग गए हैं रिवाइवल के मिड कैप स्मॉल कैप में, तो जहाँ जहाँ आपको तेज़ी मिल रही है, और ये IRB इवन HCC गेट्स बेटर, क्योंकि HCC का राइट्स आया हुआ है और राइट्स के रेशियो के हिसाब से फेवरेबल सिचुएशन है वो अभी, तो राइट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है जिनके पास नहीं है वो, जिनके पास हैं वो, लेकिन तो ये चलेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन इन तरह के शेयरों में एग्जिट इज़ वेरी क्रूशल, क्योंकि आपको तेज़ी जब दिखती है ना तो आप ये भूल जाते हो कि ये तेज़ी कहाँ तक जाएगी, या तेज़ी हमेशा नहीं रहेगी, और मंदी जब दिखती है तो मंदी में लगता है कि वो हमेशा ही रहेगी, कभी ख़त्म ही नहीं होगी। सो तेज़ी का इस्तेमाल माल बेचने के लिए करिएगा, और बढ़िया तेज़ी दिखे तो माल उतारिएगा। आप इसको ऐसे समझिए, किसी भी दिन आपको 10-15% की तेज़ी दिखती है आपके किसी पसंदीदा शेयर में, जो कि एक लार्ज कैप और अनंत तक होल्ड करने वाला नहीं है, तो आप उस तेज़ी, उस 15% का इस्तेमाल करके माल उतार दीजिए या दे दीजिएगा अपना। आम आदमी या स्मार्ट लोग यही करते हैं आमतौर पर, क्योंकि फिर वो अगले दिन नीचे आएगा, नहीं तो 2-3 दिन बाद नीचे आएगा, नहीं तो छूट भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, कहीं और कुछ और मिल जाएगा। सो ऐसे एक गेंस का इस्तेमाल करिएगा शेयर देने के लिए, और किसी फाइंडे किसी अच्छे शेयर में अगर आपको 10-15% का फॉल किसी वजह से मिल जाता है, तो उसका जो लॉजिकली सही हो, जैसे एग्जांपल अस्वान में जो फॉल आया था बीच में 20% दो लोअर सर्किट, तो उस तरह की सिचुएशंस का आप इस्तेमाल करेंगे ठीक ठाक लेने के लिए। लॉजिक साफ था, 670 रुपये में QIP में शेयर जारी किया, 400 रुपये में शेयर मिल रहा है, तो QIP बेवकूफ़ तो नहीं होगा ना। जैसे हैप्पीएस्ट रैली QIP को अगर 20-22% नीचे QIP के दाम से, तो QIP में सब लोगों ने पढ़ी लिखाई करके ही उसमें QIP में पार्टिसिपेट किया होगा ना, तो आप फंड के नाम चेक कर लो QIP में कौन कौन से फंड हैं, अगर अच्छे नाम हैं और शेयर 20-22% नीचे मिल रहा है, तो इसका मतलब वो अच्छी डील है ना आपके लिए। इस तरह के लॉजिक्स का इस्तेमाल करके आप एंटर कर सकते हो मार्केट्स में। ओके, टाटा मोटर बाय और सेल, मेरे ख्याल से चौधरी साहब इधर होल्ड, और इफ़ यू हैव सब्सटैंशियल गेन देन सेल। आप डीमर्जर की वो स्टोरी लेने के लिए बैठे हो, पैसेंजर व्हीकल कमर्शियल व्हीकल वाली, तो एक बार को बात अलग है कि वो डीमर्जर के शेयर मिलेंगे और आप बैठ जाओगे, लेकिन जिस दिन वो एडजस्टमेंट होगा उसके बाद से टाटा मोटर को कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन में जाना चाहिए। अब क्यों क्या कैसे नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जाना चाहिए, क्योंकि और बहुत बड़ी तेज़ी आ चुकी है और रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, 20% के आसपास है। सो लग रहा है कि वहाँ पर कंसोलिडेशन होना चाहिए, तो अगर गेन है तो गेन लेकर थोड़ा निकल जाइए, नीचे मिल सकता है आपको, और अगर नहीं है गेन तो फिर आप बने रहिए, क्या ही बोलूँ फिर तो। ओके सर, अकॉर्डिंग एक्यूमुलेटिंग HDFC बैंक, बजाज ऑटो, टाटा केमिकल एंड एशियन पेंट, विच अदर स्टॉक कैन आई SIP? अदर स्टॉक, इवन टाटा इन्वेस्टमेंट इज़ गुड, अगर आप समय दे सकते हो तो इट्स अ गुड स्टॉक। वो नीचे आया था, सर्किट चल रहा है, बात अलग है,
TCS इज अनदर जेम ऑफ टाटा ग्रुप, हैवी वेट में रिलायंस, TCS तो है ही. देन कम्स HDFC बैंक, आपने ले लिया, एशियन पेंट, पीडीलाइट, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इवन अपोलो, रेड्डीज, डॉक्टर रेड्डी, डीवीज, ये सब ठीक नाम है, इनको आप अदरवाइज पिक कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इनमें. और अज्यूम करता हूँ कि आपका समय अवधि लंबा होगा. इवन ओरेकल, अगर आप डिविडेंड प्ले करना चाह रहे हो तो हैं सब महंगे महंगे शेयर, इसलिए आपको लगेगा कि इतने महंगे महंगे शेयर दिला रहा हूँ, बट थोड़ा नीचे मिले तो ज़्यादा अच्छा है. और SIP ले रहे हो तो कुछ दिन बाद अपने आप ही नीचे आ जाएगा. मान लो ओरेकल यहाँ से आधा भी हो जाता है तो आपको एक बड़ा एज है कि 9,000 रुपये में आपने शेयर लिया से और 5,500 रुपये आ जाता है, 4,500 रुपये आता है, तो 4,500 रुपये में आपका डिविडेंड यील्ड 200 रुपये के हिसाब से वो बढ़ा देगा, क्योंकि 200 रुपये डिविडेंड दो तब भी देगा, चाहे वो 4,500 है चाहे 9,000 रुपये दे, तो यील्ड इंप्रूव होती चली जाएगी जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा. इसीलिए वो एक सेफ बेट है, उसको आप देख सकते हो. तो लाइकवाइज ऐसी कोई अच्छे यील्ड्स, अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियों को आप नीचे एक्यूमुलेट कर सकते हो धीरे धीरे, कोई इशू नहीं है इसमें. ओके, चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों को शामिल कर पाऊंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई. बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा. अभी थोड़ी बात फिर आप लोगों से 5:30 बजे मुलाकात होगी, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @SumitRishaj मेरा ट्विटर हैंडल है. किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप ज़रूर ले लें, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @SumitRishaj मेरा ट्विटर हैंडल है. और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, हर प्रोफाइल पर आप हमारे साथ हमेशा जुड़ सकते हैं. फिलहाल इतना ही, 5:30 बजे फिर मुलाकात होती है. नमस्कार.